नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। पिछले तीन दिनों की लगातार तेजी क्या आज भारतीय बाजारों में बरकरार रहेगी? कौन से वो स्टॉक्स होंगे जहां पर दिखेगा एक्शन? इन सब पर हम बातचीत करेंगे पार ब्रेकफास्ट में, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त के अहम ट्रिगर्स के साथ। कल अमेरिकी बाजार बंद थे, यूके के बाजार बंद थे, लेकिन खुले हैं एशियाई बाजार और वहां पर हम थोड़े दबाव के साथ ही ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी में हल्की गिरावट है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा क्योंकि आज चार निफ्टी कंपनियों के नतीजे जारी होंगे। कोल इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, बीपीसीएल। आज केरल दस्तक देगा मॉनसून। मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है तो एक अच्छा संकेत बाजार के लिए, क्योंकि जो अनुमान था पहले जारी किया गया था अनुमान, उसके मुताबिक करीब तीन दिन पहले मॉनसून दस्तक दे रहा है। लेकिन स्टरलाइट वेदांता पर नजर रखी, क्योंकि वेदांता का जो तुतीकोरिन प्लांट है उसको लेकर तमिलनाडु सरकार ने फैसला लिया है और ये प्लांट बंद होगा, तो नजर रहेगी वेदांता पर आज के सत्र में। लेकिन इन संकेतों के साथ कैसी शुरुआत आज हो सकती है और खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार या फिर एसजेक्स निफ्टी से क्या संकेत मिल रहे हैं वो समझ लेते हैं। एसजेक्स निफ्टी हालांकि आपकी स्क्रीन पर करीब 30 पॉइंट्स डाउन है। रजत हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग रजत, बताइए क्या क्यूज मिल रहे हैं एशिया से आज? जी बिल्कुल, पहले तो ये बता दूं कि आज सिंगापुर के बाजार जो है वो बंद रहेंगे एशियन मार्केट्स में, लेकिन रेस्ट ऑफ द प्ले जो हो रहा है वो इतना एनकरेजिंग नहीं है। कल के सत्र में यूएस और यूके दोनों ही बाजार बंद थे, लेकिन आज जब एसजेक्स निफ्टी खुला तो 33 अंकों का गोता लगा गया, 1/4% के आसपास की गिरावट है। ऐसे ही निके और कॉस्पी से भी कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ के इंडिकेशन मिल नहीं रहे हैं और चाइनीज मार्केट भी आज फ्लैट टू नेगेटिव बायस के साथ ही ओपन होते हुए नजर आए हैं। अब ये देखिए, निके में 0.25% के आसपास की गिरावट है और शंघाई और हैंगसेंग में भी आज थोड़ा दबाव ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा है ये कि यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में ट्रेड वार्ता है जो होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और इनफैक्ट यूएस की तैयारी भी थी कि वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर फ्रेश सैंक्शंस लगाए, लेकिन फिलहाल के लिए उसे टाल दिया गया है। ये फ्रेश रिपोर्ट्स हैं जिसके आधार पर ये बोला गया है कि अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं नए सैंक्शंस लगाने की, उसको टाल दिया जाए। डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली, कल अन्य करेंसीज के मुकाबले डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ थी जो वे कर रहा था तेल की कीमतों पे, और लगातार जो चढ़ती तेल कीमतें हैं उनमें एकदम से प्रेशर आ गया और कल के सत्र में भी 1.5% के आसपास इंटरनेशनल मार्केट पे क्रूड पे मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई। ब्रेंट क्रूड फिलहाल 75 के आसपास और साथ ही साथ नाइमेक्स जो है 67 के आसपास है। निश्चित रूप से थोड़ी सी खरीदारी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन राहत की बात है ये, एक तो क्रूड में नरमी, दूसरा बॉन्ड यील्ड्स का 3% के नीचे अब सस्टेन करना, ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन होगा। और जो पिछले कुछ दिनों में हो सकता है कि जो तेजी पकड़ी, आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई डर की बात है नहीं। इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा सा सेंटिमेंट आज कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन क्रूड की चाल, स्पेशली $75 के स्तर और बॉन्ड यील्ड्स का 3% के नीचे रहना, ये संकेत बेहतर है भारतीय बाजारों के लिए। हालांकि अमेरिकी बाजारों से आज के लिए कोई संकेत है नहीं और अगर एशियन मार्केट्स को देखें तो हल्के से दबाव के साथ ही ट्रेड करें तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। सेंटिमेंट्स न्यूट्रल टुवर्ड्स नेगेटिव साइड पर हैं। कल के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। FISDIs ने क्या रुख रखा है कैश मार्केट में। FIs ने बिकवाली ही की है 800 करोड़ के आसपास की। DIs ने 1000 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन वायदा में FIs की ओर से 1250 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में हुई है। ये अच्छा संकेत है। देख लेते हैं उन्होंने खरीदारी की कहाँ है। उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं 480 करोड़ के। इंडेक्स ऑप्शंस में भी पोजीशंस अपनी हेज करने के लिए बाइंग की है 480 करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर्स में भी 438 करोड़ की खरीदारी की है। तो FIs की जो बिकवाली कैश मार्केट में हुई उसको देखकर चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने वायदा में अच्छी खासी बाइंग की है। लेकिन इन संकेतों के बीच में शुरुआत आज कैसी हो सकती है ये जानते हैं। अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां रोज हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल जी, विदेशी बाजारों से तो आज बहुत ही सीमित संकेत मिल रहे हैं, तो अपने संकेतों के दम पर ही शायद बाजार को ज्यादा रिएक्ट करना होगा। कैसी शुरुआत एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या रणनीति रेकमेंड करेंगे? गुड मॉर्निंग दीपाली, मुझे लगता है कि थोड़ी शुरुआत सुस्ती के साथ हो, कमजोरी के साथ हो तो अच्छा होगा, वो खरीदारी का मौका मिलेगा और वैसे भी 10,700-10,725 की रेंज तक के जो टारगेट्स है वो कमोवेश निफ्टी कल हासिल कर चुका है, तो थोड़ा यहाँ से करेक्शन आए तो वो बेहतर ही है बाजार के लिए। और 10,600 से 10,650 निफ्टी की वो रेंज है जहाँ बाजार को मजबूत सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि अगर 10,625-10,650 की रेंज में मौका मिले और वहाँ पर शुरुआत हो तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वहाँ पर खरीदारी करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। तो अगर आपको 40-50 पॉइंट नीचे निफ्टी खुलता हुआ नजर आए
तो वो तेजी का मौका बन सकता है। फिर भी भारतीय बाजारों के खुलने तक थोड़ा एशियाई बाजारों पर नजर रखनी चाहिए, खासतौर से हांगकांग के बाजार किस तरह का कारोबार दिखाते हैं उससे थोड़ा सा हम और संकेत लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है 10,600 के लेवल को आसानी से तोड़ेगा नहीं बाजार, जहां पर जिस तरह से पोजिशन बनी हुई है और वैसे भी एक्सपायरी का हफ्ता है तो जो शॉर्ट्स हैं वो शॉर्ट कवरिंग आपको तुरंत नीचे सपोर्ट देती हुई दिखेगी, तो कमजोरी होगी लेकिन सीमित। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन में बहुत तेजी से भाग सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की भी संभावना है और अब छुट्टी के बाद अब आज रात जब अमेरिका के बाजार खुलेंगे तो थोड़ा वहां हम देखेंगे कि किस तरह का कारोबार होता है लंबे वीकेंड के बाद। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कोई डाउट नहीं है कि निफ्टी के मुकाबले में जहां ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है बैंक निफ्टी, और ऐसी सिचुएशन में बैंक निफ्टी में 26,500 को आप बेहद मजबूत सपोर्ट मान सकते हैं और उसके आसपास मौका मिले तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए, दिक्कत की बात नहीं है। तो ओवरऑल गिरावट हो तेज गैप के साथ नीचे खुलते हुए दिखे तो फिर ऐसी सिचुएशन में मौका खरीदारी का होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो यानी अगर हल्के दबाव के साथ बाजार खुले तो उससे तेजी के तौर पर देखना चाहिए। सेक्टर्स कौन से एक्शन में रह सकते हैं आप स्टॉक्स? मुझे याद है कल आप एनबीएफसी का जिक्र कर रहे थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जिक्र कर रहे थे और अच्छी तेजी उन स्टॉक्स में बनी है। आज के लिए कौन से सेगमेंट्स रहेंगे रडार पर? इंसिडेंटली अभी भी मुझे लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में खरीदारी बनती है और अगर आज बाजार की कमजोरी के साथ ही नीचे खुले तो खरीदारी करनी चाहिए। लगातार 16 दिन हो गए वो दाम बढ़ाए जा रहे हैं तो अच्छा है इनके लिए। कच्चा तेल स्टेबल है $75-76 के आसपास, वो भी ठीक है। दूसरा है कि करेंसी भी हल्की सी मजबूत हुई है, यूं कहें कम से कम कमजोर होना बंद कर दिया, वो एक और ठीक है। मुझे लगता है मिड कैप्स दिवाली आज भी अच्छा एक्शन में रह सकते हैं, चुनिंदा मिड कैप शेयरों में खरीदारी बढ़िया होगी रिजल्ट के लिहाज से, जैसा आपने बताया भी हेडलाइंस में बड़ा दिन है, बड़े एक्शन वाला दिन है। लेकिन हाँ, अगर कमजोरी हुई बाजार में तो उस कमजोरी की लीडरशिप प्राइवेट बैंक से आ सकती है, तो अगर आपको सावधान रहना है तो प्राइवेट बैंक में वहां खरीदारी करने से परहेज करें, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए शुक्रिया अनिल जी रणनीति बताने के लिए व्यूवर्स को। हालांकि एसजेक्स निफ्टी को भी हम देखें तो करीब 1.4% के आसपास के दबाव के साथ ये ट्रेड कर रहा है। इस संकेत को देखते हुए अगर थोड़ा सा नीचे खुले बाजार तो उसको एक तेजी के मौके के तौर पर देखना चाहिए। हालांकि हांगकांग के बाजारों का बिहेवियर अगले 1-1.5 घंटे में कैसा रहता है वो काफ़ी अहम रहेगा। आज स्टॉक्स के हिसाब से भी अहम दिन है क्योंकि 4 निफ्टी कंपनियां जिनके नतीजे आज जारी होंगे, जिनमें कोल इंडिया है, BPCL है, पावर ग्रिड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इन नंबर्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अब ये समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ इन नंबर्स बातचीत करने के लिए अंचल मौजूद हैं। अंचल बताइए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोल इंडिया कैसे नतीजे रह सकते हैं? शुक्रिया दीपाली, M&M से शुरुआत करते हैं। डिसेंट नंबर्स की उम्मीद की जा रही है, 26% के करीब मुनाफा बढ़ने का अनुमान है, वहीं आय में भी 23% की जंप आ सकती है। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रही है, ऑलमोस्ट 25% के पार इस बारी क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ रही है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं मार्जिन में भी दिख रहा है क्योंकि ट्रैक्टरों UV बिक्री बढ़ी है जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, इसी कारण कंपनी के जो मार्जिन हैं ऑलमोस्ट 2% इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। अब गोइंग अहेड नज़र रखिएगा इस बारी अदर इनकम किस तरह से प्ले करती है, अनुमान है करीब 50% गिर सकती है अदर इनकम, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको मुनाफे में और तेजी दिखेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर रहेंगे, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होगी, थोड़ा ध्यान से उस नंबर्स को कंपेयर करिएगा। मुनाफा 66% बढ़ने का अनुमान है, वहीं आय में 10% की जंप आ सकती है। जहाँ तक रही बात एबिटा की, 83% एबिटा बढ़ता हुआ दिखेगा, इसका सबसे बड़ा प्राइमरी कारण है प्रोविजनिंग ना होना। Q4 FY17 में कंपनी ने करीब 1240 करोड़ की प्रोविजनिंग की थी जो इस बारी वापस से घट के नॉर्मल लेवल जो 200-225 करोड़ का लेवल है उस रेंज में रह सकती है। तो जो 1000 करोड़ का जो एडिशनल प्रेशर था पिछले नंबर्स पे 20 नंबर्स पे, उसकी वजह से इस बारी आपको एबिटा और एबिटा मार्जिन बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखेंगे, वो एडजस्ट करके जरूर नंबर्स को कंपेयर करिएगा। पावर ग्रिड की बात करें, करीब 19% मुनाफा बढ़ने का अनुमान है, वहीं 14% की आय बढ़ सकती है, 21% के करीब एबिटा बढ़ता हुआ दिखेगा और मार्जिन्स में भी 1.5-2% तक की तेजी आ सकती है, 89% के आसपास के मार्जिन्स रह सकते हैं। ओवरऑल कारोबार ठीक रहा है, ट्रांसमिशन कारोबार अच्छा कर रहा है, उसका फायदा मिलेगा कंपनी को, लेकिन कैपिटलाइजेशन के आंकड़े पर नजर रखिएगा, ये क्रिटिकल हो जाएगा। अब गोइंग अहेड जिस तरह से सरकार का फोकस भी इलेक्ट्रिफिकेशन पे है तो कहीं कंपनी के लिए कैपिटलाइजेशन के आंकड़े कहाँ रहते हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि वहाँ पर करीब करीब 28,000 करोड़ के FY19 के लिए अनाउंसमेंट आ सकती है कैपिटलाइजेशन की। दूसरी ओर अगर बात करें BHEL की, अच्छा क्वार्टर रहता हुआ दिखेगा BHEL के लिए भी, ऑर्डर इन्फ्लोस ठीक ठाक रहे हैं, मुनाफे में अगर आप देखें 12% की जंप का अनुमान लगाया जा रहा है, एक डिसेंट ग्रोथ आय में भी दिख रही है। हालांकि जो मेटल प्राइसेस बढ़े हैं उससे थोड़ा मार्जिन पे इंपैक्ट ज़रूर आता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आप उसे अलग निगेट करके देखें तो ओवरऑल एक साउंड क्वार्टर की उम्मीद की जा रही है इस बारी BHEL का। ठीक है, तो BHEL के नंबर्स भी आज आएंगे और अच्छे नंबर्स
आ सकते हैं कंपनी की ओर से, ऐसा अनुमान है। लेकिन कई नतीजे हैं अहम जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, इसमें एलएनटी और बिंदु फार्मा, ऑल इंडिया एनएचपीसी है, ये नंबर्स कैसे रहे हैं फटाफट से संदीप से जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग संदीप, बताइए कैसे रहे नंबर्स। गुड मॉर्निंग दीपाली, अगर सबसे पहले एलएनटी की बात करें तो नंबर्स काफी अच्छे नजर आएंगे आपको। मुनाफा अगर आप देखें तो करीब 3,100 करोड़ के मुकाबले 3,450 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। आय में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, 40,678 करोड़ रुपए की आय कंपनी ने रिपोर्ट करी है। और ऑपरेशनल फ्रंट पर भी देखें नंबर्स काफी स्ट्रांग है। मार्जिन बढ़ने का अनुमान था करीब 12% से बढ़कर 13.2% के जो मार्जिन है वो आए हैं, और इनफ्लो में भी करीब 5% के आसपास का इजाफा हुआ है। तो नेट नेट अगर आप किसी भी पैरामीटर पर देखें तो एलएनटी के नंबर्स आपको काफी नजर आएंगे। बैंक ऑफ इंडिया की जहां तक बात है तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कहना चाहिए। एनआई अगर आप देखें इसमें कमी देखने को मिली है, बैंक का घाटा बढ़ता हुआ दिखा है, घाटा बढ़कर 3,970 करोड़ हुआ है क्योंकि इनकी जो प्रोविजनिंग है उसमें शार्प इंक्रीज हुआ है, 6,670 करोड़ रुपए के आसपास की प्रोविजनिंग आई है। लेकिन अगर आप कुछ पॉजिटिव ढूंढना चाहें नंबर्स में तो इनकी जो एसेट क्वालिटी है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही कमी देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए 16.93 से घटकर 16.58% के आए हैं, तो ये एक अच्छी बात है नंबर्स में। औरोबिंदो फार्मा की जहां तक बात है तो नंबर्स में डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स का अनुमान था, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग नंबर्स लग रहे हैं। आय बड़ी है लेकिन जितना अनुमान था उससे कम ग्रोथ देखने को मिली है, 4,050 करोड़ रुपए के नंबर्स आए हैं, और मुनाफा मार्जिनली डिप किया है, बल्कि 8-10% बढ़ने का अनुमान था, और मार्जिन में भी हल्की गिरावट ही देखने को मिली है। तो नेट नेट देखा जाए औरोबिंदो फार्मा के नंबर्स अनुमान से थोड़े से खराब नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया ने भी डिसअपॉइंट किया है, इनकी आय जरूर बढ़कर आई है, 2,988 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स इन्होंने दिए हैं, लेकिन मुनाफे में उतनी बढ़त नहीं आई जितना अनुमान किया जा रहा था, 866 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे के नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, और मार्जिन्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, इनकी कॉस्ट बढ़ती हुई दिखी है। मार्जिन्स जो कि 43% के आसपास के थे वो घटकर 26% के आए हैं। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स का एनालिसिस है और अनुमान से खराब नंबर्स ऑयल इंडिया के हैं। लेकिन एनएचपीसी इसके नंबर्स काफी अच्छे साउंड कर रहे हैं, आय में देखिए बढ़त देखने को मिल रही है, मुनाफा अगर आप देखें 156 करोड़ से बढ़कर 185 करोड़ रुपए के आसपास आया है, और सबसे अच्छी बात है इनके जो ऑपरेशनल आधार पर नंबर्स हैं, एबिटडा में देखिए 222 करोड़ के मुकाबले 58 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए हैं, और मार्जिन्स जो कि 16% के आसपास के थे वो ऑलमोस्ट डबल हुए हैं, 32% के आसपास के मार्जिन्स उन्होंने डिलीवर किए हैं। तो एनएचपीसी के नंबर्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं और खासतौर पे ऑपरेशनल आधार पर। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर एनएचपीसी के नंबर्स मजबूत रहे हैं, और औरोबिंदो फार्मा के थोड़े से निराश रहे हैं, एलएनटी के नंबर्स स्ट्रांग, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग रही है, तो नजर रहेगी इन तमाम स्टॉक्स पर। लेकिन और भी ऐसे शेयर्स हैं जो कि एक्शन में रहेंगे खबरों के आधार पर, कौन से हैं स्टॉक्स जान लेते हैं स्टॉक्स टू वॉच में। बताइए पूजा कौन से शेयर्स हैं। गुड मॉर्निंग दीपाली, आज तमाम हॉस्पिटल स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, जिसमें कि अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस हेल्थ केयर, ये दो स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली में निजी अस्पतालों पर अब जो शिकंजा है वो कट सकता है, और कुछ बड़े फैसले यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। इसमें पहला तो ये है कि मरीजों को अब अस्पताल से दवा खरीदने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, और इमरजेंसी मामलों में भुगतान से पहले ही इलाज शुरू करना होगा, और अगर मरीज चाहें तो हॉस्पिटल के बाहर भी दवाएँ खरीद सकते हैं, और एमआरपी पर उनको जो दवाएं हैं वो बेचनी होगी। तो ये कुछ बड़े डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं सरकार की तरफ से, जिसमें कि निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसने की बात की जा रही है, और इस खबर के चलते अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस हेल्थ केयर आज फोकस में रह सकते हैं। इसके अलावा वेदांता, यहाँ पर एक नेगेटिव खबर कंपनी के लिए, 24 मई से ही प्लांट में कंपनी का एक तूतीकोरिन का स्टरलाइट प्लांट है, वहाँ पर प्लांट की बिजली और पानी काट दी गई है, और तमिलनाडु सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि दोनों जो पानी का कनेक्शन है वो काटने का आदेश दे दिया है, और इसके ये कदम इस वजह से उठाया गया है क्योंकि पॉल्यूशन बोर्ड ने कुछ एतराज़ जताया था कंपनी के प्लांट को लेकर, जिसकी वजह से सरकार ने ये ऐलान किया है। तो एक नेगेटिव खबर यहाँ पर कंपनी के लिए। इसके अलावा IGL, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। दिल्ली में IGL ने CNG के दाम बढ़ा दिए हैं, दिल्ली में अब तक जो CNG के दाम है वो 3.3% बढ़ाए जा चुके हैं, और नोएडा में ये जो दाम है ये 3.2% बढ़ा दिए गए हैं, और जो नई कीमतें हैं वो कल आधी रात से लागू हो चुकी है, तो जिसके चलते IGL ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं IDBI बैंक की, ये स्टॉक पर जरूर नजर रखिए क्योंकि पिछले काफी समय से काफी सारे डेवलपमेंट होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय पहले कंपनी ने अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल में भी बढ़ोतरी की थी, कुछ कारोबार भी बेच रही है कंपनी, AMC कारोबार भी बेच रही है, और अब एक और खबर निकल कर आ रही है कि सरकार ने भी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, 109 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं, और सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 80.96% से बढ़कर करीब 85.96% हो चुकी है। तो स्टॉक पे जरूर नजर रखिए, कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं IDBI बैंक में। ठीक है, तो ये तमाम वो शेयर्स हैं जहाँ पर फोकस आज के सत्र में रहेगा।
आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट और रोहित सिंगरे हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के। रोहित गुड मॉर्निंग, बताइए आपके ट्रेडिंग पिक्स क्या हैं आज के लिए। गुड मॉर्निंग दीपाली, पहला मेरा ट्रेडिंग पिक पावर ग्रिड रहेगा जिसमें सेल करने की सलाह रहेगी। कल काफी एक सब्सटेंशियल सेल ऑफ हम लोग को स्टॉक के अंदर दिखा था प्लस विद वॉल्यूम, तो आई थिंक यहाँ पर आज ही पैनिक बना रहेगा। आई थिंक यहाँ पर एक बार सेल करके चल सकते हैं। पावर ग्रिड के अंदर टारगेट आपको 202 के इंट्राडे में ही मिल जाएंगे, सब लोग आपको 210 का मेटर करके चलना है। दूसरा पिक मेरा हैवल्स रहेगा, काफी अच्छे ब्रेकआउट हम लोग को 560 के ऊपर कल के सेशन में देखने को मिले थे और स्टॉक ने क्लोजिंग भी दी है 563 की, तो आई थिंक यहाँ पर एक अच्छा बाय रहेगा। 572-573 एक इमीडिएट हर्डल है, तो वहां तक अपना टारगेट मेंटेन करके चलिए, 552 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते चलिए। ठीक है, तो हेवल्स में खरीदारी की सलाह है जहां पर कल एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, आज के लिए 572 के लक्ष्य हैं, 552 का स्टॉप लॉस रखिए। और दूसरी रिकमेंडेशन है कि पावर ग्रिड कल नतीजों से पहले ही टूटा, यानी आज नंबर्स आने उससे पहले कमजोर रहा, 2.5% लुढ़ का, आज के लिए 202 का लक्ष्य है, 210 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। शुक्रिया रोहित। कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो भी आप नोट कर लीजिए जो अलग अलग हाउसेज की ओर से आई हैं। IDBI कैपिटल ने पिक किया है महिंद्रा हॉलीडेज को, 359 का टारगेट है, 343 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। दूसरी रिकमेंडेशन है GNFC पर, कल 4.25% का उछाल दिखा स्टॉक में, आज के लिए 502 का लक्ष्य रहेगा, 476 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही चॉइस ब्रोकिंग ने पिक किया है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस को, यहाँ पर 76 के टारगेट्स हैं और स्टॉप लॉस आपको 70.5 के लेवल्स पर मेंटेन करना होगा, खरीदारी की सलाह है। REC कल REC PFC दोनों स्टॉक्स में तेजी थी, चॉइस ब्रोकिंग ने आज REC को पिक किया है 126 के लक्ष्य के लिए, 116 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। कल 5% के उछाल के साथ स्टॉक बंद हुआ था और साथ ही तमाम ये वो स्टॉक्स हैं जो कि इंट्राडे के हिसाब से आपको बताए जा रहे हैं। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स रहे हैं ये डिटेल समझ लेते हैं। संदीप है हमारे साथ सभी रिपोर्ट्स लेकर। गुड मॉर्निंग संदीप, बताइए। देखिए दीपाली, सबसे पहले L&T की बात करनी होगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको नंबर्स तो बताए, नंबर अनुमान से काफी अच्छे रहे हैं और ब्रोकिंग हाउसेस में एक राय है, सभी ब्रोकर्स इस स्टॉक को लेके बुलिश हैं, तेजी का व्यू है। CLSA की बाय की रेटिंग है, 1730 रुपए का टारगेट प्राइस है। सबसे ऊपर का टारगेट प्राइस आया है जेफरीज की ओर से, जिन्होंने 1925 रुपए के लक्ष्य दिए हैं और मैक्वेरी ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, 1821 रुपए का टारगेट प्राइस है। तो एक तरफा खरीदारी की राय L&T पर अच्छे नंबर्स के बाद देखने को मिल रही है। कल आपको याद होगा NTPC के नंबर्स भी आए थे, नंबर्स इसके भी अच्छे थे। CLSA की एक रिपोर्ट है, उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है, 200 रुपए का टारगेट प्राइस वो स्टॉक को दे रहे हैं। उनका मानना है नंबर्स अनुमान के मुताबिक थे, लेकिन उसके साथ साथ जो क्षमता विस्तार पर काम है इस कंपनी का वो काफी तेजी से और ऑन ट्रैक है, तो उसका फायदा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और आखिर में एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है, कवरेज शुरू करिए एंजल ब्रोकिंग ने कैपेसाइट इंफ्रा के ऊपर, बाय रेटिंग के साथ ये कवरेज शुरू की गई है और स्टॉक को लेकर जो टारगेट प्राइस निकल के आए हैं वो 340 रुपए प्रति शेयर के आसपास के। उनका मानना है कि इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बेहद मजबूत है और रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है, यानी कि आने वाले समय में भी जो नतीजे हैं वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकते हैं। तो कैपेसाइट इंफ्रा एक स्टॉक है जो कि 286 पे बंद हुआ है, अच्छी खासी अपसाइड के साथ एंजल की रिपोर्ट आई है, इस पे आप नजर रख सकते हैं। शुक्रिया आपका संदीप ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो कैपेसिटी इंफ्रा पर एंजल ब्रोकिंग ने कवरेज शुरू की है, इसके अलावा L&T पर ब्रोकर्स काफी पॉजिटिव हैं, 1925 के टारगेट्स आए हैं जेफरीज की ओर से। लेकिन हम कमोडिटी मार्केट का रुख कर लेते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेश हिरामत मौजूद हैं जो कि हेड रिसर्च है कमोडिटी सेगमेंट के कावी कॉम्ट्रेड से। वीरेश गुड मॉर्निंग, पहले तो क्रूड पर ही एक आउटलुक दीजिए, $75 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेड कर रहा है, घरेलू बाजार में कल हमने एक दबाव देखा था, आज के लिए क्या रणनीति रखें ट्रेडर्स? गुड मॉर्निंग, हमें लगता है मार्केट और भी एक बिकवाली का ट्रेंड ले सकते हैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह का मार्केट देखा तो WTI क्रूड ऑयल 1% के दबाव में है, उसका असर इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। मगर एक फैक्टर देखने को करना पड़ेगा, क्योंकि कल इंटरनेशनल मार्केट बंद थे जिसके वजह से अभी ज्यादा दबाव नहीं लग रहा इंडियन मार्केट में, फिर भी अपना एक इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सेलिंग का रिकमेंडेशन रहेगा अराउंड 4500 लेवल में, 4400 का एक टारगेट रहेगा, 4550 का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो बिकवाली करने की सलाह है, 4500 के स्तर पर आपको बेचना है, 4400 के लक्ष्य के लिए 4550 का स्टॉप लॉस रखिए। कोई और कमोडिटी जहां पर आज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही हो आपको? गोल्ड रहेगी, गोल्ड में भी एक बिकवाली का सलाह रहेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $39 के नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ जो डॉलर इंडेक्स में जो मजबूत है वो भी एक रीजन है मार्केट में एक दबाव में रहने के लिए, इसलिए आज के लिए हमारा रिकमेंडेशन रहेगा बिकवाली का अराउंड 31120 लेवल में, 30850 का टारगेट रहेगा और 31220 का एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। ठीक है,
चलिए शुक्रिया वीरेश आपका ये स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। तो सोने पर भी बिकवाले की कॉल है इनकी ओर से 31,120 के स्तर पर बेचकर चलिए। सोना 30,850 का आपको लक्ष्य रखना है, 31,220 का स्टॉप लॉस रखिए। तो ये कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजी, लेकिन कुछ अहम खबरें भी हैं वो भी आपको बता देते हैं। रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग अब पहले से ज़्यादा एडवांस और आसान हो जाएगी। बीती रात से IRCTC की वेबसाइट का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। इसमें टिकट बुक करने वालों के लिए कई नए फीचर्स दिए गए हैं। ट्रेन चुनने से लेकर अपनी यात्रा प्लान करने में आपको पहले से आसानी होगी। नई वेबसाइट पर बुकिंग के वक्त ही आप अपनी सीट भी सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट वाले टिकट के कंफर्म होने की कितनी संभावना है ये भी आपको वेबसाइट बताएगी। अगले 15 दिन तक पुरानी वेबसाइट के साथ ही इस नई वेबसाइट का बीटा वर्जन खुला रहेगा और 15 दिन बाद पुरानी वेबसाइट पूरी तरह हटा दी जाएगी। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आज बाजार खुलने से पहले कौन से अहम संकेत हैं, किन पर बाजार रिएक्ट कर सकता है। अमेरिकी बाजार कल बंद रहे थे, यूके के मार्केट क्लोज थे, लेकिन एशियाई बाजार जो हैं वो दबाव के साथ खुले हैं। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% नीचे है, लेकिन घरेलू स्तर पर कई अहम फैक्टर्स हैं जो कि आज बाजार की दिशा तय करेंगे। चार निफ्टी कंपनियों के नतीजे जिनमें कोल इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, BPCL हैं। आज केरल पहुंचेगा मॉनसून, ये मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है। हालांकि स्काईमेट ने कहा है कि साउथ वेस्ट पोर्शन को ऑलरेडी मॉनसून का हिट कर चुका है, लेकिन वेदांता इस पर नजर रहेगी क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने ऑर्डर किया है जो तुतीकोरिन प्लांट है वो बंद होगा। स्टॉक्स के हिसाब से आज कई FNO कंपनियां हैं जो अपने नतीजे पेश करेंगी। BHEL, BEL इन स्टॉक्स पर भी आज के सत्र में नजर रहेगी। L&T, अरबिंदो फार्मा, NHPC तमाम वो स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, तो वहां भी आज एक्शन दिखेगा।